तरीके से पाकिस्तान कश्मीर के अंदर आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, नौजवानों को भड़का रहा है, अलगाववादियों का समर्थन कर रहा है, उसका यह एक काउंटर था। और इसके अंदर आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई कि जिस तरीके से 15 अगस्त के प्राची से जब ये मोदी जी ने ये बात कही तो तुरंत इसके बाद में पाकिस्तान में खलबली मची और पाकिस्तान के विदेश सचिव ने कश्मीर पर वार्ता के लिए भारत के विदेश सचिव को इस्लामाबाद का न्योता दे दिया। पाक अधिकृत कश्मीर में जो अभी चुनाव हुए वहां पे पूरी तरह से धांधली की गई। और ये पिछले 40 साल से अगर हम देखें तो वहां पे जो भी सत्तारूढ़ दल रहती है पाक अधिकृत कश्मीर में उनकी कैंडिडेट जीतते हैं, वो धांधली से वहां वोट नहीं होने देते। और जो अभी आंदोलन चल रहे हैं वहां पे खुल के लोग आ रहे हैं, भारत के पक्ष में नारे लगा रहे हैं, उससे इस बात की पुष्टि होती है कि कश्मीर के अंदर जो मूवमेंट चल रहा है वहां पे उसको भारत कहीं अलग थलग नहीं पड़ेगा। और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, अमेरिका हो चाहे यूरोप हो या लोकतंत्र के और मानने वाले देश हो, वो भारत की इस मांग का समर्थन करेंगे। और भारत ने भी जो कदम उठाया है और कांग्रेस पूरी तरह से इसके साथ है, तो वो सोच समझ के उठाया गया कदम है। और हम अपनी जो नीति है उससे समझौता नहीं करते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए जहाँ कोई कदम जरूरी हो, चाहे म्यांमार हो या श्रीलंका में भी इतना आंदोलन चला, वहाँ पे इतने लिट्टे के लोग थे, लोगों ने विरोध भी किया तमिलनाडु के लोगों ने, लेकिन भारत को लगा कि नहीं, वहाँ पे जो हो रहा है लिट्टे की तरफ से हो रहा है वो गलत है, लोकतांत्रिक चुनी सरकार को अपदस्त करने की कोशिश है, उसके लिए मूवमेंट चलाया और हमारे कई जवानों को क्षति उठानी पड़ी। तो भारत का जो कदम है उसको भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत पे कहीं अलग थलग नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत लोकतंत्र की आवाज मुखर करने वाले देशों में एक और भारत उभर के सामने आएगा। बलूचिस्तान और गिलगित वाला जो मुद्दा उठाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके का फायदा होगा और किस तरीके का नहीं होगा, कौन सा देश आपके साथ होगा और कौन सा नहीं होगा, या तो सर्वविदित है यूएन भी भारत और पाकिस्तान के कश्मीर वाले मुद्दे पर हस्तक्षेप से मना कर चुका, अमेरिका भी इस बारे में कई बार कह चुका भारत और पाक दोनों मिलकर कश्मीर का मुद्दा सुलटाए, और अब तो चीन भी तटस्थ कश्मीर मुद्दे पर बिल्कुल तटस्थ भूमिका के लिए में आ गया है। यानी चीन अब जब कश्मीर का मसला आएगा तो निश्चित रूप से वो तटस्थ भूमिका अदा करेगा। लोकतंत्र मैं आस्था रखने वाला कोई भी देश हो, वो चाहे अमरीका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वो मोदी और भारत सरकार की जो बलूचिस्तान और कश्मीरियों की आज़ादी है उसको वो इस मोदी सरकार और भारत सरकार की ये जो कदम है वो इस बात को और पुष्ट करेगा कि भारत की लोकतंत्र में रुचि है। और ना भारत सिर्फ अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा को बहाली को लेके सोचता है, आगे बढ़ता है, बल्कि वो दुनिया में अगर कहीं भी कोई देश हो, कई देशों में ये चीज हो रही है तो उसका भारत पुरजोर ढंग से उठा रहा है। तो मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय जगत जो अभी 2-3 दिन में रिएक्शन आए हैं उससे लगता यही है कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले जो भी देश है, जो भी संगठन है, वो भारत की इस नीति के समर्थन में खड़े होके आएंगे